आज मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में शेयर करना चाहता हूं, जो कि हमारे नीट और जेई मेंस और ऑलरेडी पोस्टपोन हो रहे हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के डिसीजन से रिलेटेड है। न्यूज़ में लिखा है कि एडमिट रेट्स इन द कोरोना वायरस केसेस अक्रॉस द इंडिया, द पेंडिंग बोर्ड एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटेटिव टेस्ट फॉर द इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस आर अनलाइकली टू बी हेल्ड इन द जुलाई। मतलब जो हमारे नीट जेई मेंस और हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि हमारे जुलाई मंथ में होना डिसाइड हुआ था, उनका फर्दर पोस्टपोन या फिर सस्पेंशन हमारा हो सकता है। इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट इज मोर पैरामाउंट, द सिचुएशन डजंट सीम्स कंड्यूसिव टू होल्ड दिस एग्जामिनेशन। ही आल्सो एडेड दैट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक नीट एंड जेई मेंस आर लाइकली टू बी पोस्टपोन। द सोर्सेज ऑफ द न्यूज़ आल्सो सेड दैट NEET and JEE mains are likely to be postponed as their cancellation is not feasible. उन्होंने कहा कि an alternative grading system for the board examination is being worked out. मतलब जो board examination है उनको हमारे alternate grading system के according हम उसको conduct करा सकते हैं, मगर NEET और JEE mains के जो examination है उनका cancellation होना या फिर कोई alternate method उसका नहीं हमें feasible हो पाएगा। इस पर क्या डिसीजन होगा वो फुल एंड फाइनल हमारे कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो जाएगी। अब आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट क्या इस कोरोना क्राइसिस में चलते क्या स्टूडेंट्स की सेफ्टी को में फैसला सुनाएगा, या फिर ऑलरेडी हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो हमारा डिले चल रहा है उस सिस्टम को, उस सस्पेंशन को वो बरकरार रखेगा? आपका क्या ओपिनियन है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताएँ। थैंक यू।